हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे कंडीशन फोर लाइन टू लाई इन ए प्लेन एक लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो इसकी कंडीशन क्या होगी ये हम आज की क्लास में समझेंगे अगर हमारे पास एक प्लेन है और एक लाइन प्लेन पे है तो हम कैसे दिखाएंगे कि ये लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो लाइन की इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट ए गिवन होता है जिसका पोजिशन वेक्टर ए पॉइंट ए वेक्टर पोजिशन वेक्टर है एंड इस लाइन के पैरेलल एक गिवन वेक्टर ये हमारा बी वेक्टर हो गया तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी तो ए वेक्टर ये पोजिशन वेक्टर हो गया और आर वेक्टर हमें पता ही है क्या होता है एनी पॉइंट ऑन प्लेन लाइन और बी वेक्टर इसके पैरल है एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं आर डॉट एन इक्वल टू डी अब यहां पे एन वेक्टर क्या है एन वेक्टर है प्लेन पे नॉर्मल ये एन वेक्टर है तो हमें दिखाना है कि ये लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो एक सीधी सी बात आपको समझनी है कि जब ये लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो जो ए पॉइंट है वो लाइन और प्लेन दोनों में कॉमन हो गया तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जो ए पॉइंट है जिसका पोजिशन वैक्टर ए है मस्ट लाई ऑन प्लेन तो सबसे पहली बात तो यह है कि ए पॉइंट ए मस्ट बी लाइज ऑन प्लेन अब हम ये कैसे दिखाएंगे कि ये पॉइंट प्लेन पे lie कर रहा है तो उसके लिए हम ए पॉइंट का जो position vector है ए इसको n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि R के जगह रखना है हमें ये इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो इक्वल टू कितना आना चाहिए D. तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई जो हमें दिखानी है कि ये वाला पॉइंट लाइन और प्लेन दोनों पे है। अब केवल इतना करने से प्रूव नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट प्लेन और लाइन दोनों में कॉमन तब भी हो सकता है जब लाइन प्लेन को केवल इंटरसेक्ट करके निकल जाए उस पर ना करे तो एक कंडीशन और हमें दिखानी पड़ेगी वो ये कि जो नॉर्मल है क्योंकि प्लेन पे परपेंडिकुलर है इसलिए बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड हम कहेंगे नॉर्मल टू प्लेन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो इसके लिए क्या करना होगा बी डॉट एन बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो आपको दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है अगर किसी लाइन को ये दिखाना है कि वो प्लेन पे लाई कर रही है एक तो ए डॉट एन इक्वल टू डी दूसरा बी डॉट एन इक्वल टू जीरो तो अब एक एग्जाम्पल से हम ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं क्वेश्चन लिख देते हैं पहले क्वेश्चन है सो दैट द लाइन लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं आर वैक्टर इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे प्लस लैमडा सेवन आई कैप माइनस फाइव के लाइज ऑन द प्लेन जिसकी इक्वेशन है आर डॉट फाइव आई माइनस थ्री जे प्लस सेवन के इक्वल टू वन तो यहां पे सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ये हमारा ए वेक्टर हो गया ए वेक्टर कितना है टू आई कैप प्लस थ्री जे के बी वैक्टर सेवन आई माइनस फाइव के एंड एन वेक्टर फाइव आई माइनस थ्री जे प्लस सेवन के और डी इक्वल टू वन इस तरह से हमने सारी चीजें यहाँ पे नोट कर ली हैं अब हमारे पास जो कंडीशन है हम उसको वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहली बात क्या हमें दिखाना होगा ए डोट एन तो ये हमारा ए है और ये एन तो ए और एन का डॉट प्रोडक्ट करने पे आप देख रहे हो ये मैंने यहाँ पे पहले ही कर दिया है कितना आ गया डी के इक्वल आ गया ए डॉट एन इक्वल टू डी तो इसका मतलब जो ए है लाइज ऑन द लाइन एंड प्लेन बोथ दूसरी बात जो बी वैक्टर है बी एंड एन बी और एन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप देख रहे हो कितना आ रहा है जीरो तो यानि बी डोट एन जीरो का मतलब बी परपेंडिकुलर टू एन तो दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिए तो इसका मतलब गिवन लाइन लाइज ऑन द प्लेन तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा अभी स्क्रीन पर आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी उसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पर आपको नाइन्थ से ट्वेल्थ तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेज मिल जाती हैं अलग अलग प्ले में सारे चैप्टर्स के आपको वीडियो मिल जाएंगी थैंक यू वेरी मच